अस्सलामु अलैकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हुसैन शाह और आप देख रहे हैं ज़ीशान वॉइस एंड पोएट्री। खवातीन हज़रात, हमारी दूसरी मंजिल पर थोड़ा काम जारी है। घर के दूसरी मंजिल पर हम कमरे वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ है। तो एक बिल्ली थी जो हमारे घर आती थी, वो हम उसे रोज़ खाना वगैरह दे देते थे। तो जानवरों की ये बात होती है कि जहाँ से उनको खाना वगैरह मिलता है, जहाँ पर जैसे घर में एतबार हो जाता है उनका, वहाँ पर वो अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरह ये एक बिल्ली थी, तो उसने अपने तीन बच्चों को हमारे घर ले के आई। और ऊपर ये थोड़ा सा गोदाम वगैरह पड़ा हुआ है, इधर सीमेंट वगैरह दूसरा तीसरा सामान है, इसमें उसने छुपा कर इनको रखा हुआ है ताकि कोई दूसरा बिल्ला वगैरह नुकसान ना पहुँचा दे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इनके ऊपर व्लाग बना कर शेयर कर दें ज़ीशान व्लाग के हवाले से। तो मैं आज इनके ऊपर व्लाग बना रहा हूँ, थोड़े क्लिप वगैरह। ये शैतानियाँ कर रहे हैं क्योंकि हम इनको भी अब खाना वगैरह डालते हैं, तो इन्हें पता है कि हमसे इनको नुकसान नहीं है, इसीलिए ये खेलते वगैरह। और इनकी कुछ आदत जो हैं, अच्छी आदत, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि एक तो होता है ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो गंद वगैरह भी बना देते हैं पोटी वगैरह से, लेकिन इनकी वो भी कुछ खूबियाँ होती हैं बिल्ली वगैरह में, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर छत पर ये भी आपस में झगड़ रहे हैं, तो इनकी कुछ ऐसी ही वीडियोस वगैरह मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको इनकी कुछ दिलचस्प आदत वगैरह भी बताएंगे। तो ये बड़े प्यारे और क्यूट क्यूट हैं, और ये आपस में रोज़ झगड़ा करते रहते हैं, बाल वगैरह के साथ खेलते रहते हैं। ये काला बड़ा शैतान है, अभी आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने इनको हाथ में ही पकड़ा हुआ है, लेकिन इनको पता है कि हमसे इनको कोई नुकसान नहीं है। जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अभी मैंने पोटी वगैरह की बात की थी, तो ये आप देख सकते हैं एक साइड पे ये मिट्टी वगैरह छत पे पड़ी हुई है, काम लगा हुआ है, तो हमने छत की साइड पर ये क्रश वगैरह डाली हुई है। तो ये जगह को देख कर, यानी गंद नहीं बनाते, तो ये अभी इसने पोटी की और उसको छुपा रहा है, और ये मुसलसल इसी तरह छुपाता रहेगा और फिर स्मेल लेगा। और जब तक इसको खुद स्मेल आती रहेगी, उसको अच्छी तरह से छुपाएगा ताकि किसी को यहाँ पे बदबू वगैरह ना आए। तो ये देखें जानवर भी कितने साफ़ वगैरह होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर डॉगी वगैरह भी बैठता है, वो भी जगह साफ करके बैठता है। तो इनकी भी कुछ आदत और आदाब होते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये अभी इसने पोटी की है, तो मुसलसल ये उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि बदबू वगैरह किसी को ना आए, और गंदगी को भी छुपा रहा है। तो इनकी मज़ीद भी आगे वीडियोस हैं, तो इनकी कुछ तस्वीर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इनकी जो वालदा है, जो खाना वगैरह जिसको हम डालते थे, जो यहाँ पे बेबी लेके आई है, उसके भी वीडियो हैं बीच में, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, वो भी एंड में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि हम अपने इस चैनल पर मुल्क पाकिस्तान के नामवर शहरों की शायरी वगैरह शेयर करते रहते हैं, और उनकी ज़िंदगी के हकीकी वाकयात भी अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को भी दिल खोल कर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमको आपकी प्यार का अंदाज़ा हो सके। ख़वातीन हज़रात, मेरा एक दूसरा चैनल DZN इस्लामी, जहाँ पर हम इस्लामिक वाकयात वगैरह, इस्लामिक कोट वगैरह और दीगर वाकयात वगैरह शेयर करते रहते हैं, उस चैनल को भी एक बार विज़िट करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करिए।